यज्ञशिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हे पार्थ, मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ भी है वो सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला भी है, इसीलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। जैसे मनुष्य के शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, बेस, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने के लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुक्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना मनुष्य के पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेदारी है, उससे अधिक की जिम्मेदारी है ही नहीं, उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करना तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का भी काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर मनुष्य के लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी न करे तो शरीर की क्या जरूरत, इसीलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं, इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं, इसीलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हे अर्जुन, ये पचन्त्यात्म कारणात्, अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति और अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात्, मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए अर्थात दूसरे के लिए वास्तव में काम काज नहीं करते हुए अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपनी कहलाने वाला शरीर के लिए पकाए
अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से जो कुछ भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना ना मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न जल वस्तु आदि देना और इसकी आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना इस शरीर का सेवा है, जिससे शरीर में ममता और आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार से पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल महामारी मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करें, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहें। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाते हैं। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्म तक फल देता है।